रवि पुत्र मोमो खाने हैं। हाय गाइस, हाय, सो माय नेम इज रवि खुराना एंड एज यू कैन सी आई हैव अ बिट ऑफ एक्सेंट। दैट्स बिकॉज आई ट्रेवल टू यूएस एंड यू खाए। For 1 week. And mostly because I watch porn on regular basis without muting it. Sir, you know why? You know? Because I'm a cool guy. And as a cool guy, I like to break stereotypes. For example, people think Punjabis are good looking. Now look at me. It's funny how foreigners come to India in search of Nirvana and marijuana. And we go to their country with just one hope, just one: sex. But I was lucky. I got it. Although it was rough, because the black guy in New York was tough. But sex? अच्छा, इस बट में भी डबल टी था। I think Indian society is stupid and confused. Do you guys agree? I'll prove it. People make fun of me because I can't grow full beard. And they make fun of my girlfriend because she can. But I love my girlfriend. I love her. Especially because she can blow. Things out of proportion. But she left me last month. And I did not feel too bad. See, it was difficult to understand her. For 2 reasons. One, she was a girl. Two, she was a Bengali. So one day she came to me and in heavy and sexy voice she said, Robi. Ravi nahi. Robi. मुझे पेन चाहिए। किंकी। मैंने कुंडी लगा ली। एंड देन शी सेड, रॉबी मुझे पेपर भी चाहिए। अदर डे शी टोल्ड मी, रॉबी मुझे गौरव पानी दो, ठोंडे पानी से मेरे टीट्स हिलते हैं। इट टुक मी 1 week टू रियलाइज शी नीडेड सेंसोडाइन। अच्छा गाइज, गिव मी अ चेयर इफ यू लव योर मॉम। यस, I love my mom as well. But my mom loves phenyl more than anything. उनका हमारी मेट के साथ एक ही कॉन्वर्जेशन होता है, फिनाइल कम यूज कर, फिनाइल खत्म ना कर दियो, फिनाइल खत्म कर दिया। इससे परेशान होकर our maid attempted suicide. I wasn't sad. क्योंकि वो मेड ही मेरी बंगाली गर्लफ्रेंड थी। बट माई मॉम वॉज अपसेट, रियली अपसेट, क्योंकि उसने सुसाइड फिनाइल पी के किया था। अच्छा, गिव मी अ चीयर इफ यू लव योर डैड। यस, आई लव माई डैड एज वेल। लेकिन वो ना भोले हैं थोड़े,
उनका अब जीवन में एक ही काम है, मम्मी से डांट खाना. वो रोज ओपिनियन देते हैं, रोज डांट खा रहे हैं, लेकिन इसकी कसर वो हमारे साथ पूरी करते हैं. पापापंती करते हैं वो. पापापंती पता क्या होता है? मैं बताता हूँ. जैसे आप ड्राइंग रूम से बेडरूम की तरफ जा रहे हो, पापा आ जाएंगे, हाँ जी कहाँ? मैंने कहा पापा मैं वो, अगर तुम बेडरूम में हो तो ड्राइंग रूम का पंखा क्यों चला है? और ये पापापंती बढ़ जाती है दिवाली के दिनों में, जब घर वाले सफाई करवाते हैं ना परछत्ती से, तो फेंकने तो कुछ देते नहीं है. तो मेरे पापा के दो ही डायलॉग होते थे, एक ये खानदानी निशानी है. मैंने कहा ये दादाजी का 100 छेद वाला कच्चा है, ये कैसी खानदानी निशानी है. वो दूसरा होता है एलैंड जाओगे ना, पता है किन्हें दिया, विच मीन्स ये लेने जाओगे ना पता है कितने की है. तो मुझे लगता था नहीं फेंकते क्योंकि हम गरीब हैं. लेकिन फिर मेरे गरीब घर वाले ना घर को कभी खाली नहीं छोड़ते थे. मुझे बड़ा अजीब लगता था, मैंने कहा गरीबो घर खाली छोड़ो, क्योंकि मुझे चाहिए था. तो एक दिन चले गए, तो फिर मैंने अपनी बंगाली गर्लफ्रेंड को बुलाया, उसे ठंडा पानी दिया. लेकिन तभी पापा को कुछ याद आ गया. पापा घर आए, बेडरूम का दरवाजा खोला और बोला, अगर तुम बेडरूम में सेक्स कर रहे हो तो ड्राइंग रूम का पंखा क्यों चलाया? मैंने कहा पापा ये गलत नहीं हो गया? कह रहे ओ हाँ, निकालो इसे बाहर. मैंने कहा पापा इधर आना, यहां आओ, एलैंड जाओगे ना पता है कि नहीं दिया.